बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। मामूली नेकियों पर बख्शिश कर देंगे, मामूली अदाओं पर अल्लाह तबारक वताला बख्शी कर देंगे, यहाँ तक कि किसी का नाम अच्छा होगा अल्लाह तबारक वताला उस नाम की वजह से उसकी बख्शी कर देंगे। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक वताला के सामने एक बंदा पेश किया जाएगा गुनाहगार, उसके गुनाह के दफ्तर खोले जाएंगे, गुनाहों से पूर फैसला कर दिया जाएगा, या मलाइकती इन तलिकु अब्दिल नार, मेरे इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। अब फरिश्ते जब उसको घसीट के ले जाने लगेंगे तो अल्लाह तबारक वताला पूछेंगे इसका नाम क्या है, रोको इसको, इसका नाम क्या है? वो रुकेगा, जी आपका नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम अहमद है, अहमद। तो अल्लाह तबारक वताला फरमाएंगे तुम्हारा नाम अहमद है? हालांकि अल्लाह तबारक वताला तो दाना बीना है, उसको सब पता है, लेकिन एक अदालती कार्रवाई इंसानों को दिखानी है, अदालती कार्रवाई के तहत फैसले करने हैं, अपने इलम पर नहीं बल्कि शहादतों पर फैसले करने हैं, किसी उनवान पर फैसले करने हैं, इसलिए पूछेंगे अच्छा तुम्हारा नाम अहमद है? फरमाएंगे अच्छा तेरा नाम तो मेरे महबूब का नाम है, आज मेरे महबूब के नाम का जो मिसल है वो भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर। वो अहमद नाम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक बंदे को बुलाएंगे, उसका हिसाब किताब होगा, उसे कहा जाएगा कि तुम्हें जो वो जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो, ये फैसला किया जाएगा। तो वो चलते हुए बार बार मुड़ के देखेगा, चलते हुए बार बार मुड़ के देखेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से कहेंगे इसको वापस लाओ। कहा कि तू मुड़ मुड़ के क्यों देखता है? कहा जी मैं इसलिए देखता हूँ, हूँ तो मैं गुनाहगार, दफ्तर गुनाहों से भरे हुए हैं, लेकिन मैंने तेरी किताब में पहला जो कलमा पढ़ा था वो था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जिसमें तेरी दो सिफतें जिक्र की थी और दोनों सिफतों का ताल्लुक तेरी रहमत के साथ था, रहमान भी रहमत से था, रहीम भी रहमत से था, तो मैं आज मुड़ मुड़ के तुझे इसलिए देखता हूँ कि तेरी रहमत अगर आज मुझे नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? आज अगर जहन्नुम की आग में मैं डाल दिया गया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पहली आयत तूने इंसानों को अपनी रहमत की सुनाकर रहमत की उम्मीद दिलाई थी, तो मैं मुड़ मुड़ के इसलिए देखता हूँ, ऐ अल्लाह तेरी रहमत आज मुझे नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी, इस इंतजार में देखता हूं। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे ने ठीक कहा, या मलाइकती इन तलकाबिल जन्ना, मैं इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दूं। एक बंदे को पेश किया जाएगा, उसके गुनाहों के दफ्तर खोले जाएंगे, फैसला हो जाएगा या मलाइकती इन तलकाबिल नार, मेरे बंदे को जहन्नम में डाल दो। जैसे ये बात कहेंगे फरिश्ते को पकड़ने लगेंगे, वो जहन्नम की तरफ दौड़ने लगेगा, फरिश्तों से हाथ छुड़ाकर खुद जहन्नुम की तरफ दौड़ने लगेगा। मलाइका हैरान हो जाएंगे कि ये आदमी अजीब है, खुद ही जहन्नुम की तरफ दौड़ रहा। अल्लाह कहेगा रोको इसको, रोको वापस लाओ। उसको पकड़ के वापस लाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला पूछेंगे भाई तू खुद ही जहन्नुम की तरफ दौड़ रहा है, ये तो वो मकाम है। तूने कहा या मलाइका थी इन तलकाबिल नार, मेरे बंदे को जहन्नुम में दाखिल कर दो। मैंने सोचा सारी जिंदगी तो खुदा की मानी नहीं, आज मैं खुदा की चाहत पर खुद जहन्नुम के अंदर कूद जाता हूं, आज मैं अपने अल्लाह की चाहत पूरी कर दूं, ये सोच के मैंने सोचा कि मैं खुद दौड़कर जहन्नुम की तरफ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तेरे जज्बे की मैं कदर करता हूं, ऐ मेरे फरिश्तों इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह अकबर। अब देखो ये छोटे छोटे उनवान, मामूली उनवानों पर बख्शिश हो रही है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत गज़ब पर गालिब है।